सो दोस्तों, हरिद्वार की गलियों में घूमते हुए हम आप पहुंचे हैं जैन चाट भंडार पे। सुना है यहाँ के कांजी वड़े ना बहुत ही मतलब बढ़िया स्वाद है उनका, और एक ना ये कुछ मैजिक चाट करके भी बनाते हैं, सुना है मैंने यहाँ पे लोगों से और कुछ देखा भी है। तो चलते हैं अंदर दुकान के और देखते हैं क्या है ये मैजिक चाट और क्या है इनके ऐसे कांजी वड़े में, क्या ऐसा टेस्ट दे रहे हैं लोगों को जो इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं आप देख सकते हैं। और बेसिकली जो इनके ऑनर हैं शॉप के, जो जैन जी हैं, वो आज नहीं है तो कोई बात नहीं, और अंदर हम चलते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के ये मैजिक चाट प्रिपेयर करते हैं और कांजी वड़ा में क्या ऐसा स्वाद है जो लोग दूर दूर से आके यहाँ पे खा रहे हैं। भैया, क्या है इतनी खास बात है जो लोगों की इतनी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी करी हुई है, क्या ऐसा स्वाद दे रहे हो लोगों को और क्या खिला रहे हो? सुना है आपकी मैजिक चाट मतलब बड़ी फेमस है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। सो हमें भी दिखाइए मैजिक चाट कैसे बनाते हैं और आप लोगों का प्यार है जो आप लोग दूर दूर से पूछ कर यहाँ तक खाते हैं। हाँ जी, और फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे जो घर में मेहमान आते हैं उनका खास ध्यान रखा जाए। अरे वाह, क्या बात है, मतलब पूरी मेहमान नवाजी बढ़िया से करते हो। जी बिल्कुल। अरे ये क्या डाला आपने सबसे पहले इसमें? ये मैं बना रहा हूँ मैजिक चाट। ठीक है, ये क्या डाला आपने? पापड़ी। हाँ, तो ये मैदे की होती है? ये पहली बात तो इसमें ये पत्ता लगाते हैं। पत्ता लगाया, ठीक है, जो कि आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे पुराने जमाने में पत्ते में ही देते थे। तो ये किस चीज़ का पत्ता है? ये बान का पत्ता होता है। अच्छा, और मैं इस पर आपके लिए मैजिक चाट बनाऊंगा। ठीक है, इस पर डालेंगे ये पापड़ी। ठीक है, जो कि बहुत हल्की होती है, जिसका वजन तराजू पे नहीं होता। तराजू पे वजन भी नहीं आएगा? जी। अच्छा जी, और इसमें ये मूंग की दाल की पकौड़ी है। अच्छा, मूंग की दाल की। जी, ये भी बहुत हल्की होती है। ठीक है, और ये जीरा पाउडर। जीरा पाउडर, नमक। ठीक है, मिर्ची। ठीक है, मिर्ची ये अपना कुटी हुई? हाँ जी, जितने भी मसाले हैं सब अपने घर के हैं सिवाय नमक के। ठीक है, जो भी मसाले हैं सब अपने घर पे बनाते हैं, अपने हाथ से पीसते हैं। अच्छा, और ये खजूर की चटनी है। अरे वाह, इसमें क्या क्या डालते हो खजूर के सिवा? खजूर है, अमचूर है, चीनी है। अच्छा, ये हमारी 6 महीना ख़राब नहीं होती है, इसे लोग पैक करवा कर भी लेकर जाते हैं। चाहिए फ्रिज में रखो या बाहर रखो? फ्रिज में रखनी पड़ती है। फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने ईजिली चल जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, अरे वाह, दही की तो इन्होंने बारिश कर दी है पूरी इसके ऊपर। अच्छा, फिर से खजूर की चटनी? जी, दूसरी लेयर खजूर की, और फिर से इसमें मसाले रिपीट करते हैं। अच्छा, फिर से मसाले? जी, और एक ये है ब्लैक पेपर, जिसको बोलते हैं जादू की चुटकी। अच्छा, जादू की चुटकी, अरे वाह, मतलब लगता है ये स्वाद देगी क्या असली? जी बिल्कुल। अच्छा, सो ये तैयार हो चुकी है हमारी मैजिक चाट, आप देख सकते हैं। सो अभी इनका हम लोग कांजी वड़ा भी ज़रूर ट्राई करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे क्या है इनका जायका और क्या आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन भीड़ देख के तो हमारी जजमेंट यही हो रही है कि लोग इनको इतना प्यार दे रहे हैं, इट मीन्स इनका टेस्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मिलते हैं अपनी टेबल पे और आपको बताते हैं कैसा है इसका जायका। गाइस देखिए, ये हमारी मैजिक चाट रेडी हो चुकी है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, मसाले वगैरह प्रॉपर इसमें डाले हुए इन्होंने, और जो इन्होंने बोला है ना ये कुछ चुटकी वाला मसाला तो वो ऊपर नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आपस में ताकि जो मसाले हैं वो प्रॉपर मिक्स हो जाए और बढ़िया टेस्ट दें। तो टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है इसका जायका। बढ़िया मसाले, एकदम बढ़िया, एकदम उम्दा स्वाद, बहुत बढ़िया। अभी मैंने जो इन्होंने पापड़ी डाली है वो खाई है, अब मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ इनका भल्ला, मतलब जो इन्होंने मूंग दाल की जो पकौड़ी डाली हुई है वो बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसाले एकदम बैलेंस्ड हैं और जो इसमें दही डाली हुई है एकदम ठंडी, और सबसे बड़ी बात दही जो है वो पतली नहीं है, अच्छी गाढ़ी दही है, और जो मसाले हैं उनका तो जादू है ही है इसमें। सो मुझे तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी लगी है, अब मैं इनका ट्राई करूँगा कांजी वड़ा। और सुना है जो इनके कांजी वड़ा हैं लोग वो यहाँ से पैक करा करा के ले जाते हैं बहुत दूर दूर तक, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। तो मिलते हैं अपने कांजी। हमारे साथ ना कुछ कस्टमर भी हैं जो मैं यहाँ पे जब शूट स्टार्ट किया था ना तो बड़े मज़े से छुटकारे ले लेके खा रहे थे ये फैमिली, तो मैंने ज़रूर सोचा था कि मैं जब अपना शूट कंप्लीट कर लूँगा ना तो मैं इनसे रिव्यू ज़रूर लूँगा कि इनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो सर वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का भी, स्वाति एंड मोहित पे। आपसे कुछ बात करने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो सर क्या आपको अच्छा लगा, और सबसे पहले आपका क्या नाम है प्लीज़ आप दोनों मुझे बताइए, और बच्चा पार्टी भी खड़ी है हमारे साथ, इससे क्या नाम है सर आपका? पीयूष मदान। पीयूष मदान जी। सर आपका? तरुण मदान है। तरुण मदान, दोनों मतलब ब्रदर है सर। ब्रदर्स हैं, वेरी गुड। सो क्या अच्छा लगा आपको और कहाँ से आए हैं आप इनका जायका लेने? हम कैथल हरियाणा से हैं। अच्छा, हरियाणा से, और हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ है, हमारी तीसरी पीढ़ी आ रही है। अच्छा,
मेरे फादर साहब हमारे साथ हैं, हम भी आते हैं, बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, काफी अच्छा टेस्ट है। तो मतलब आपको मतलब जब यहाँ आते हो तो क्या लगता है कि यार ये तो जाके खाना ही खाना है? जैन साहब की चाट जरूर खानी है जब भी हरी, मतलब इनकी मैजिक चाट खानी खानी है। और आपको मतलब सर बिल्कुल सर, बच्चों आप लोगों को क्या क्या पसंद है यहाँ पे, सबसे बढ़िया क्या लगता है? मैजिक चाट, मैजिक और कांजी वड़ा। वो टेस्ट नहीं कर रहा अभी, टेस्ट नहीं करा मतलब पापा लोगों ने या चाचा लोगों ने टेस्ट नहीं कराया आप लोगों को? अभी हमारा मूड नहीं है तो हमने। अच्छा, अभी बच्चों का मूड नहीं है कांजी वड़ा टेस्ट करने का। बाकी इनकी पूरी फैमिली कैमरे के पीछे भी खड़ी है जो देख रही है कि किस तरीके से ये लोग भी मतलब वीडियो में आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके। और तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब यहाँ पे वो वीडियो देखने वालों को कि वो यहाँ पे उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। जो कहते हैं अभी अगर हरिद्वार आए हैं, अगर हरिद्वार आके चाट ना खाई हो तो फिर, और चाट भी जैन साहब की मैजिक चाट, मैजिक चाट। वाह, सो इंडिया को ज्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। सो ये तो हमारे थैंक यू। सो गाइस हमारे साथ एक परिवार और जुड़ चुका है। अभी आपने जैसे कि देखा हमने कस्टमर रिव्यू लिया था जो कि कैथल से लोग आए हुए थे, मदान फैमिली। तो ये सर भी आए हुए, तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का भी, स्वाति एंड मोहित में। सो क्या नाम है सर आपका? शुभ नाम बलराम गर्ग। गर्ग साहब, तो ये बलराम गर्ग साहब है। और आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांश गर्ग। बड़ा प्यारा नाम है यार, प्रियांश गर्ग। तो क्या आपको सबसे बढ़िया लगता है यहाँ पे? और पापा से मतलब क्या बोलते हो कि पापा मतलब हरिद्वार में नहाने जाना है और जैन जी की चाट भी खानी है? क्या क्या बोलते हो मतलब मेरे को बताओ, कैसे मतलब पापा को मनाते हो कि अगर पापा बिजी हैं तो क्या बोलते हो कि पापा कैसे चलना है? पापा एक बार चलो ना, एक बार। और फिर पापा एक बार ये मान जाते हैं? नहीं, काफी बार बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब बच्चे क्या बोलते हैं अपने पापा को कि पापा चलो गंगा जी में नहा के भी आते हैं और जैन साहब की चाट भी खाएंगे, मैजिक चाट खाएंगे। ज्यादातर तो मुझे मैजिक चाट ही अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है पापा को। अच्छा, पापा को मतलब बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन जब मान जाते हैं तो फिर मैजिक चाट पेट भर के खाते हैं। तो सर आपको मतलब क्या लगता है यहाँ पर, कब से आ रहे हैं यहाँ पे खाने? पाँच साल हो गए। पहले हरिद्वार तो काफी बचपन से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ यहाँ पे 5 साल हो गए आते। 5 साल जब भी हरिद्वार आते हैं दिल्ली से तो तभी यहाँ कंटिन्यू जरूर आना है फैमिली। तो आपको ये मैजिक चाट के अलावा जो ये कांजी वड़ा अपना सेल करते हैं वो कैसा लगता है आपको? वो भी अच्छा है, वो पेट के लिए काफी अच्छी चीज है। ओके, सो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे कि ये वो वीडियो जब देख रहे होंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या उनको ये जैन साहब की चाट खाने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, अगर हरिद्वार आते हैं ट्राई जरूर करना, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। हम भी पहली बार देख के ही आए थे, लेकिन स्वाद लगा तो हम रेगुलर आते हैं। वेरी गुड। सो आप हमारे बेटा व्यूअर्स को एक बार बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, फॉलो भी करना, शेयर भी करना। वेरी गुड। तो देखा यार, अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानते तो कम से कम प्रियांश की बात मान लो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको मैजिक चाट का टेस्ट बताया और कुछ कस्टमर ने भी रिव्यूज बताया आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और प्रियांश आपसे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है? और घर जाके वीडियो ना अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करनी है, ठीक है? मैं भी देखूंगा कि प्रियांश ने कितनी वीडियो हमारी शेयर करी है। डन, चलो। हमारे साथ जो कस्टमर दिल्ली से आए हुए थे और अब हम टेस्ट करते हैं कांजी वड़ा का। सो आइए मेरे साथ। सो गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कांजी वड़ा का टेस्ट थोड़ा सा रह गया है, तो उसका भी आपको हम जायका बताते हैं। तो एक बार कैमरामैन आप प्लीज इसको जरा दिखाइए, ये देखिए। तो गाइस, इसकी जो फर्मेंटेशन है ना वो 7 से 8 दिन में इसकी फर्मेंटेशन इसको मतलब होने में लगते हैं। और इसमें ना कुछ भी नहीं डालते हैं, ये सिंपल सा है। इसमें सिर्फ ये अपना राई और अपना ये अपना नमक डाला हुआ है और ये मूंग की पकौड़ी। सो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है इसका स्वाद। मस्त, खट्टा बढ़िया, एकदम खट्टा है, स्वाद बहुत बढ़िया। और मूंग की दाल का लड्डू एक बार इसमें ट्राई करते हैं। इजीली ब्रेक हो गया इसमें। बहुत बढ़िया, मन कर रहा है जो ये पूरा गिलास है ना बस एक ही सांस में अंदर कर लूँ। बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन बस वो एक ये है कि फटाफट इसको पी के ना जो मुंह में एक जो टेस्ट होता है ना वो रह जाए। तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कस्टमर के रिव्यूज़ भी यहाँ पे सुने हैं और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बहुत बढ़िया स्वाद है इनका। तो
तो ये जैन साहब बड़े फेमस हैं हरिद्वार में, आप किसी से भी पूछेंगे बड़ा बाजार चाट वाली गली में तो इजीली आपको वो यहाँ पे इस दुकान पे पहुँचा देंगे। सो गाइस मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी हरिद्वार आएँ तो जैन साहब की मैजिक चाट और ये कांजी वड़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और कांजी वड़ा आप पैक करके अपने घर भी ले जा सकते हैं जो ईजिली 7 दिन तक बिना फ्रिज के, और 15 दिन ये फ्रिज में ईजिली ये रह सकता है सेफ, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरी वीडियो को आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का स्वाति एंड मोहित को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।